हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग साइन 22.5 अंश का मान निकालेंगे। तो 22.5 अंश का मान हम कैसे साइन में निकालेंगे, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि साइन 22.5 अंश का मान कैसे निकालेंगे। साइन 22.5 अंश को हम साइन 22.5 अंश पढ़ सकते हैं। तो हम 22.5 अंश का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम इसके हल पर। तो देखिए, इसका हल शुरू करते हैं। तो साइन 22.5 अंश का मान आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का मान होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का एक मान और होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें निकालना है साइन 22.5 अंश का मान, तो इसलिए हम फार्मूला लेंगे कि कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे कि माना थीटा बराबर 22.5 अंश। अगर थीटा बराबर मान लिए कि 22.5 अंश, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा 2 गुणे 22.5 अंश, ये हो जाएगा 22.5 अंश। अब तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि कॉस 2 थीटा बराबर कितना होगा, हम लिखेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर करके बाई तरफ ले आएंगे और कॉस 2 थीटा को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। तब इसको लिख लें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2। अब हमें मालूम है कि थीटा बराबर कितना है, हमने मान लिया है कि थीटा बराबर है कि 22.5 अंश। हम लिख देंगे कि साइन 22.5 अंश बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 22.5 अंश, तो 22.5 अंश और कुल के 2। इसलिए हम इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन 22.5 अंश बराबर, ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा 45, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 45 और कुल के 2 हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसे लिख देंगे कितना, ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा साइन 22.5 अंश।
साइन 22.5 अंश बराबर कैडी में 1 माइनस cos 45 का मान होता है 1/2 और कुल के 2 है। तब इसको सरल कर देंगे, जब सरल करने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैडी में 2 माइनस 1/2। इसको आप परिमेयीकरण कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैडी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो गया कैडी में 2 माइनस 1 कैडी में 2 और नीचे हो जाएगा 2 कैडी में 2 और गुणे कैडी में 2 और सबसे ऊपर कैडी घात। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं ये हो जाएगा, ये बराबर हो गया कि कास साइन 22.5 अंश बराबर गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये देख रहे हैं ये हो जाएगा 2 माइनस कैडी में 2 और कुल के 2 हो जाएगा 4। इस तरह से कैडी में है तो कैडी को, कैडी के बाहर 4 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर कैडी में आ जाएगा 2 माइनस कैडी में 2। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।